ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राजा हुआ करता था। उसने अघोर तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना तो धरती पर मरेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा, न रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकेगा, न बाहर मरेगा, न घर में, और न ही कोई जानवर या इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा और लोगों को खुद की पूजा करने को विवश करने लगा। परंतु ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो कि बालक ही था, वह उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो गया और बोला, तुम्हें मेरे सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब प्रहलाद बोला, पिताजी क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को गधा से मारने लगा। जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और हिरण्यकश्यप अर्थात अपने पति से रोते हुए बोली, महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम चुप हो जाओ, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं अपने दुश्मनों को जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि बाद में कोई भी डर से विष्णु का नाम न ले। यह सुनकर प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज क्षमा कर दीजिए इसे, अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसकी एक न सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर चले गए और बाहर जाकर उसने सारी प्रजा के सामने, जो ही सैनिकों ने उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई, वह तलवार फूलों से परिवर्तित हो गई। इसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भाले से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन वो भाला उसका ही वध कर डाला। यह देख बाकी के सैनिक वहाँ से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फिकवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की सेज बन गई और वह सकुशल अपने महल वापस लौट आया। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को मिली तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद कर उसे सांपों के बीच छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और जो सांप प्रहलाद को डसने जाता वह जलकर भस्म हो जाता। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दे दिया, परंतु हाथियों से कुचलने की बजाय फूल माला चढ़ाने लगे और इसी तरह हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए जो कि सफल नहीं हुए। और अंत में उसने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान स्वरूप एक दिव्य वस्त्र मिला हुआ है, अब उस वस्त्र के इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया, इस दिव्य अस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? तो हिरण्यकश्यप बोला, रक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें इस दिव्य वस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद का वध करना है। यह सुनकर होलिका बोली, क्या भैया आप अपने ही पुत्र का वध करवाना चाहते हैं? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वो पुत्र के नाम पर कलंक है, कलंक। और हाँ बहन, और इस समय में मैंने तुम्हें कोई सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिना कोई प्रश्न किए मेरे आदेशों का पालन करने के लिए बुलाया है। यह सुनकर होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं वहाँ हाजिर हो जाऊँगी। और इतना कहकर होलिका वहाँ से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहाँ अपने दिव्य वस्त्रों के साथ उपस्थित हो गई।
उसका पूरा शरीर दिव्य वस्त्रों से ढका हुआ था। फिर हरिणुकश्यप ने अपने सैनिकों को प्रह्लाद को लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनते ही कुछ सैनिक कुछ ही देर में प्रह्लाद को लेकर वहां उपस्थित हो गए। फिर हिरणुकश्यप के आदेशानुसार होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। फिर हिरणुकश्यप अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश देता है। आदेश को सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता से अग्नि की ऊंची लपटे आसमान को छूने लगी। यह देख प्रह्लाद ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। कुछ क्षण बाद चिता से चीख की आवाज आने लगी। यह सुनकर हरिणुकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रह्लाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। परंतु जब चिता की अग्नि शांत हुई तो हिरणुकश्यप को प्रह्लाद को जिंदा देख अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो इस प्रकार भगवान इस बार भी अपने भक्त प्रह्लाद की जान बचा लेते हैं। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु के भक्त प्रह्लाद को कुछ नहीं हुआ। मित्रों, हर साल हम लोग इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली से मनाते हैं।